आप देख रहे हैं ARTV चैनल। कोरोना वायरस की वजह से जहां इंसानी जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मेहनत के जरिए पहचाने गए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट अखिल अपने घर का खर्चा उठाने के लिए साइकिल पर जोमैटो फूड डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था कि उन्हें एक ऑर्डर मिला, जिसे वो साइकिल पर लेकर किंगकोटी महेश नामी शख्स के पास पहुंचे, जिसे देखकर महेश नामी शख्स हैरतजदा हो गया और अखिल की बर वक्त आमद पर खुशी का इजहार किया और इस बारे में अपने दोस्तों को बताया तो सभी हिंदू भाइयों ने उसकी मेहनत को सराहते हुए उसे तभी एक गाड़ी बतौरे तोहफा दे दिया। यह वाकया इंसानी जहन को झिझोड़ने वाला है। मुल्क में जहां बीजेपी हुकूमत हिंदू मुसलमानों में खलीज पैदा कर रही है, वहीं शहर हैदराबाद में लोग भाई चारे के खैरात बांटने में मसरूफ है। मेरा नाम रॉबिन मुकेश है, मैं किंगकोटी में रहता हूँ, एक IT एम्प्लॉय हूँ। मैं मंडे के दिन रात चाय ऑर्डर कर रहा था नीलोफर से, और जोमैटो बॉय मोहम्मद अकील जो मुझे नीचे आने को कहा था कि थोड़ा नीचे आके ऑर्डर ले लीजिए आप, नीचे जाके देखे तो उन्होंने साइकिल पे है। 20 मिनट के अंदर मेरा ऑर्डर मेहदीपट्टनम से लकड़ी का पुल जाके लकड़ी का पुल से पिकअप करके मेरे पास आए, और उतना जल्दी में साइकिल में चलाते हुए आए तो उनका एक फ़ोटो निकाल के हमारे ग्रुप फूडीज़ ग्रुप जो है द ग्रेट हैदराबाद फूड एंड ट्रैवल फेसबुक में जो 30,000 लोग हैं उसमें उनका फ़ोटो और उनका स्टोरी डालना पड़ा। स्टोरी डालते कि बहुत लोग आगे आए कि बोले कि अरे ये बहुत हार्डवर्किंग बंदा है, इसको अपन कुछ करेंगे, पूरे मिलके कुछ करेंगे। तो हमारे एडमिन साहब से बात करके नेक्स्ट डे फंड रेजिंग स्टार्ट करें। अकील को पूछे कि आपको क्या हेल्प चाहिए, बोले तो उन्होंने बोले कि मुझे एक गाड़ी दिला दीजिए, मैं और थोड़ा इनकम ज़्यादा होऊंगा और मेरे फैमिली को सपोर्ट करूंगा। तो इमीडिएटली फ़ंड रेज करे, रात में 8 बजे, सुबह 10-11 बजे के अंदर हमारे को फ़ंड रेजिंग ख़त्म हो गया। मतलब फ़ंड रेजिंग 65,000 लगाए तो 73,000 आया हमें, तो हमने फ़ंड रेजिंग स्टॉप कर दिए और अकील को बोले कि आपको एक गाड़ी दिलाने वाले हैं, आप जो TVS XL पूछे वही गाड़ी दिलाने वाले हैं। इसमें बहुत लोग जो फूडीज़ ग्रुप में सामने आके बहुत हेल्प करे और आगे हेल्प करना चाह रहे थे, मगर हम लोग फंड रेजिंग स्टॉप कर दिए क्योंकि उनका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकी। ये बहुत मुझे बहुत अच्छा क्यों दिख रहा है कि मतलब मैं सिर्फ ऑर्डर करके ले लेके घर को जाने से अच्छा उनका एक फ़ोटो एक स्टोरी डालने से एक जेन्यून हार्ड वर्किंग सिंसियर अंडर ग्रेजुएट जो परस्यूइंग कर रहे हैं इंजीनियरिंग उनको हेल्प कर सका, मेरे को बहुत बहुत खुशी हो रही है। और ये जेन्यून क्यों बोल रहे, बोले तो इनके बारे में एक आर्टिकल पहले आया सो है ETV भारत में, वो आर्टिकल देखने के बाद हम लोगों को पता चला कि अकील सही में जेन्यून रिक्वायरमेंट है उनके लिए गाड़ी। और ये ज़्यादा जो भी हम लोगों को हेल्प करे इसमें एक मुस्लिम अकील को हिंदू भाई बहन लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करे सो है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हैदराबाद, एसेंस ऑफ हैदराबाद, पीपल हियर लिव वेरी हैप्पीली। अपने हैदराबाद में एक एक गली में एक एक सोनू सूद है जो जेन्यून बंदे को हेल्प करना चाह रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ 8 या 9 महीने पहले, और मैं 1 साल से जोमैटो पे साइकिल पे कर रहा था। मेरा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद और वायरल होने के बाद बहुत बहुत वायरल हुआ। उसके बाद मैं एक डिलीवर ऑर्डर करा था, सोशल ऑर्डर डिलीवर करा था जो मैं मेहदीपट्टनम में था, वहाँ से लकड़ी का पुल कैफे नीलोफर से ऑर्डर लेके मैं किंगकोटी गया था। वो ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मेरा एक पोस्ट वायरल हुआ जो रॉबिन मुकेश भाई ने अपने ग्रुप हैदराबाद फूड्स एंड ट्रैवल क्लब में डाले थे। उसके बाद वो कैंपेन चलाए, पैसे जमा करके मुझे एक TVS गाड़ी दिलाई, और वो आज मिलने वाली इंशाल्लाह ज़रूर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और मैं पहले साइकिल पे बहुत ज़बरदस्त करता था, इंशाल्लाह गाड़ी आने के बाद और ज़बरदस्त करूँगा इंशाल्लाह। मैं साइकिल पे 16 से 18 डिलीवरीज देता था, अब गाड़ी आने के बाद इंशाल्लाह जो भी फाइनल टारगेट है वो मारूंगा 18 और 20 ऑर्डर का जो भी है। इससे आपकी फैमिली को क्या सपोर्ट मिलेगा? मेरी फैमिली को बहुत अच्छा असर पड़ेगा, इनकम बढ़ेंगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होंगी। जोमैटो हम लोग 5 भाई बहन हैं। आपके वालिद साहब क्या काम? मेरे वालिद साहब चप्पल के कारीगर हैं। आपका घर कहाँ है?
मेरा घर अब नशेमन में पहले तालाब कटे में था, अब शिफ्ट हो गया। तो आपकी फैमिली को इससे सपोर्ट होगा? हाँ इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। तो रोज़ कितना कमाते थे आप साइकिल पे? मैं साइकिल पे कभी 500 कभी 600 कभी 400 जी। एक फिक्स अमाउंट नहीं था, रोज़ाना अलग अलग अर्निंग होती थी, ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड था। इंशाल्लाह ज़रूर और आगे तरक्की होंगे। गाड़ी पे आपका टारगेट क्या रहेगा? इंशाल्लाह मेरा तो फाइनल टारगेट सोच कर रहूँगा, अगर ऑर्डर्स नहीं रहे तो सेकंड टारगेट रहेंगे इंशाल्लाह। फाइनल गाड़ी दिलाने वाले कौन? रॉबिन मुकेश भाई है उनके और उनके टीम वाले कैंपेन चला के दिला रहे। हाँ TVS XL गाड़ी हैवी ड्यूटी और इसका माइलेज भी कम रहेगा बहुत इंशाल्लाह, मेंटेनेंस भी अच्छा रहेगा। आप देख रहे हैं ARTV चैनल।